नमस्कार, हम आपको पोनी टेल बनाना बताएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। एंड ये मोटे वाला रबर लीजिएगा, ये पतले पतले जैसे दिख रहे हैं आपको, ये प्लीज़ मत लीजिएगा पतले पतले, आप मोटे वाले लीजिएगा क्लच, ये रबर बैंड। और हम क्लच से भी बनाएंगे क्योंकि रबर बैंड से बड़े लंबे बाल टेढ़े हो जाते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। आपके बाल अगर ड्राई हैं तो आप कोकोनट ऑयल हल्का सा ले सकते हैं, बट हमने यहाँ पे नहीं यूज़ किया है। अगर आप कहेंगे तो हम यूज़ किया वाला एक वीडियो बना सकते हैं। हम पोनी टेल बना रहे हैं जैसा कि क्लचर के हेल्प से एंड द रबर बैंड। आप पतला वाला प्लीज़ मत लीजिएगा। सी, हमें एकदम बहुत ही ज़्यादा हमने सुलझे हुए बाल लिए हैं, देख सकते हैं आप। और उसके बाद हम ये देखिए रबर बैंड ये वाला इसमें लगा दे रहे हैं। सी लाइक दिस, ये रबर बैंड लगा रहे हैं ऐसे। बहुत लोग ये लंबे बालों के लिए हैं। और पोनी टेल आप अगर आपको बनाना है छोटे बालों के लिए तो हम आपको वो बनवा सकते हैं। अगर आप कह देंगे तो मुझे आप कमेंट करके दे दीजिएगा, हम आपको बनवा सकते हैं। और हमने यहाँ पे बाल लिए हैं जो कि विदाउट एनी ऑयल के हैं, किसी भी ऑयल इसमें नहीं है। और फिर अगर आप कहेंगे तो हम कोकोनट ऑयल लगवा सकते हैं, नहीं तो आपको जो मन हो वो ऑयल। बट मैं कहती हूँ कि मेरा ये बहुत अच्छा सजेशन है, सब लोग अलग अलग कहते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आप कोकोनट ऑयल ही लीजिए। यहाँ पे आप देखिए हम लोग क्लचर लगा दे रहे हैं। सी लाइक दिस, क्लचर हम लोग लगा दे रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। भाई ये देखो भाई, एकदम अच्छे से ये देखिए हमने कैसे किया है। ये इधर से हैं, हमने इधर ऐसे क्लचर लगाया है। उसके बाद ये जो कि आगे का हमारा पोर्शन है उसे हम ये सुलझा के ये इस तरीके से इसे कवर करेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। सी, अब आप लोग देख ही चुके होंगे कि हमने कैसे कवर कर दी है इसे बिल्कुल अच्छे से, कि क्लचर कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। अब हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हो कि ये हमारा पोनी टेल विथ क्लचर लंबे लंबे बालों के लिए ये पूरा हो चुका है। सी, बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से पूरा हो गया है। आप कॉलेज जाओ तो कॉलेज के लिए, स्कूल जाओ तो स्कूल के लिए, आप पढ़ाते हो तो अच्छे उसके लिए भी आप किसी भी कर सकते हैं। और हमारे इन बालों के लिए आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा आप ये कि ये कैसा लगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।